नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में कांग्रेस की हालत कुछ कुछ वैसी हो गई है जैसे कोई आदमी बैल से दूध निकालने की कोशिश करता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब चुनाव का की जो रफ्तार है वो अब तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है बिहार के अंदर में, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में आई 9 सीटों पर में से 6 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। बिहार में तमाम दलों की तरफ से प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो चुका है, चाहे वो RJD हो, चाहे वो लेफ्ट की तीनों पार्टियां हो, वो जदयू हो, लोजपा हो, BJP हो, सब ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। जिसको निर्दलीय लड़ना है उसने भी ऐलान कर रखा है, लेकिन अगर ऐलान नहीं किसी ने किया है तो कांग्रेस ने नहीं किया है। हवाला ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जो है वो नाम जा चुके हैं। अब वो नाम वहाँ से कब फाइनल होकर के आएंगे बहुत साफ नहीं है। 13 तारीख को एक मीटिंग होनी थी दिल्ली में, वो मीटिंग किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब 13 तारीख के बाद अब देखिए एक हफ्ता और गुजर गया, अब तक नाम सामने नहीं आया। बिहार में कांग्रेस के हिस्से में 40 सीटों में से 9 सीटें आई हैं। महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन तेजस्वी यादव ने अपने पास रखी थी कुल 26 सीटें, जिसमें से 3 सीटें उन्होंने VIP की मुकेश सहनी की जो VIP पार्टी है उसको दे दिया। उसके बाद उन्होंने 23 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर रखा है। लेफ्ट के हिस्से में आई है 5 सीटें, वहाँ पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। लेकिन अटक रही है बात अगर कहीं तो वह है कांग्रेस में, 9 सीटें आई हैं उनके हिस्से में, 3 पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो चुका है। बाकी की जो सीटें हैं वहाँ पर अभी भी प्रत्याशी कौन होगा इस नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। कांग्रेस को जो सीटें बिहार में दी गई हैं महागठबंधन की तरफ से, उसमें पटना साहिब जो पटना शहर की सीट है, राजधानी की सीट है, सासाराम की सीट है, महाराजगंज की सीट है, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर की सीट है। इसके साथ साथ भागलपुर, किशनगंज और कटिहार में नाम का ऐलान हो चुका है। लेकिन 6 सीटों पर क्या अड़चन है, क्यों देरी हो रही है, और अगर कुछ नाम जो हैं वो जो अगर उन पर चर्चा हो रही है तो इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं। देवांशु, किन कारणों से कांग्रेस 6 नामों को तय नहीं कर पा रही है, और अगर तय हो गया है तो नाम कौन कौन से हैं, ऐलान क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बहुत जो है कांग्रेस समय ले रही है, टाइम ले रही है। जैसा कि आपने इंट्रो में कहा ना, बैल से दूध निकालने की कोशिश जो है वो कांग्रेस वाले कर रहे हैं, बिल्कुल यकीनन वही कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी जो बिहार की है उसके तरफ से जो है वो दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी है उनको भेज दिया गया है नाम। एक एक लोकसभा सीट से 2-2, 3-3 नाम गए हैं। सबसे पहले मैं जो है प्रत्येक वाइज सीट से स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कौन कौन से नाम भेजे गए हैं वो बताऊंगा, और उसके बाद हम न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों को ये बताएंगे आखिर कौन से नाम फाइनल है और किसी भी वक्त कांग्रेस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी जो है वो कर दिया जाएगा। पटना साहिब के लोकसभा क्षेत्र के लिए रोहित 3 नाम जो है वो भेजे गए हैं। एक मीरा कुमार के बेटे अंशुल कुमार, जो कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं, कपिल देव प्रसाद यादव का भी नाम जो है भेजा गया है, और मधुरेंद्र सिंह का भी नाम जो है वो भेजा गया है। लेकिन हमारे जो कांग्रेस वाले सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि आप जो है ना वो चलाइएगा कि मीरा कुमार के बेटे अंशुल कुमार को ही टिकट जो है वो दिया जा रहा है। हूबहू वही लाइन में मैं बोल रहा हूँ जो कि कांग्रेस के सूत्रों ने हमें अब जो है वो बोला है। तो ये लगभग तय है रोहित कि पटना साहिब में NDA के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अंशुल कुमार जो है वो उतरेंगे, क्लियर कट है इसमें, ठीक है। और यंग हैं, और कहीं ना कहीं देखिए बिहार में अंशुल कुमार को भले ही कम लोग जानते होंगे लेकिन कांग्रेस के लिए वो बड़े जाना पहचाना नाम है, क्योंकि राहुल मीरा कुमार का बहुत बड़ा रहा है कांग्रेस के अंदर। जगजीवन बाबू के पोते हैं वो, जगजीवन बाबू जो है वो लगातार मतलब कि 7 या 8 बार MP जो है वो सासाराम से रहे थे। जब उनकी डेथ हुई थी, चलिए आप लोग बता ही देते, जब उनकी डेथ हुई थी 1986 में, तो सासाराम वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे रिकॉर्ड उस सीट के नाम पे है कि डेथ हुई, राजीव गांधी PM थे उस वक्त, और 3 साल तक कोई उपचुनाव ही नहीं हुआ। उपचुनाव जो है 89 में जब होता है पूरे देश में, तब 3 साल तक वो उस सीट पर कोई सांसद जो है वो रहा ही नहीं। उसके बाद भी छेदी पासवान और मीरा कुमार में फाइट होती है 89 में, फिर छेदी पासवान जीतते हैं, खैर वो बीते दिन की बात है। लेकिन बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और राहुल गांधी करीबी नेता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर पल उनके साथ रहे हैं, तो टिकट तो इनका बनता है। इस नाते नहीं बनता है कि ये मीरा कुमार के बेटे हैं, इस नाते भी नहीं बनता है कि ये जगजीवन बाबू के पोते हैं, इस नाते भी बनता है कि लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
चलिए अब चलते हैं सासाराम। सासाराम बिहार में 6 लोकसभा सीट जो है वो SC के लिए रिजर्व है, उनमें से एक है सासाराम। सासाराम में जो है वो 3 नाम यहाँ भी भेजे गए हैं, दिल्ली पटना से विश्वनाथ राम को भेजा गया है, राजेश राम को भेजा गया है और मनोज कुमार को भेजा गया, मनोज कुमार के नाम को भेजा गया है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मनोज कुमार के उम्मीदवार बनने की प्रबल संभावना जो है वो है। अब तीसरे सीट पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, लंबा नहीं करने जा रहे हैं ये वीडियो। महाराजगंज पे आते हैं, महाराजगंज में एक हमारे सूत्र ने बताया कि पेंडिंग है, एक सूत्र ने बताया कि मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, लेकिन दूसरे सूत्र पे मुझे ज़्यादा भरोसा है तो उन्हीं का लूंगा। तो महाराजगंज में जो नाम भेजा गया है पटना से दिल्ली अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह का, जो कि पिछले दफ़ा पूर्वी चंपारण से RLSP के टिकट पर उम्मीदवार थे राधामोहन सिंह के खिलाफ। इस बार भी अखिलेश सिंह चाहते थे कि उनके बेटे जो है वो पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़े VIP पार्टी के टिकट पर, लेकिन बात बनी नहीं। सो वो अपने बेटे को कांग्रेस के टिकट पे ही चुनाव लड़वाना चाहते हैं, अगर दिल्ली में कोई बीच में अड़ंगा ना डाल दे तो लगभग जो है ये तय है। दूसरा नाम जो भेजा गया है शंकर दुबे का भी भेजा गया है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि सच्चिदानंद राय की पत्नी का भी नाम जो है वो चल रहा है, अभी तक चल रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सच्चिदानंद राय की पत्नी इंदू राय को जो है वो टिकट दे दे। इंदू राय की संभावना इसलिए बढ़ जाती है, देखिए मैं सूत्रों के हवाले से बात नहीं कर रही, सच्चिदानंद राय खुद महाराजगंज के लिए जाना पहचाना नाम है, अगर कोई भी पार्टी अगर जीतना चाहेगी है कोई सीट तो वो चाहती है कि वो मजबूत उम्मीदवार, दमदार उम्मीदवार और खुद उम्मीदवार के बलबूते पर चुनाव जीता जा सके, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार मिले तो वो सबसे पहले नंबर वन पे होता है। तो इस लिहाज से सच्चिदानंद राय की पत्नी नंबर वन पे है, क्योंकि सारण से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, निर्दलीय MLC हैं सच्चिदानंद राय, और स्थानीय स्तर पर जो काम उन्होंने करते रहे हैं ना, तो उनका तो भाई है वो, लेकिन जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस है कि अखिलेश सिंह अपने बेटे को टिकट जो है वो दिलवा ही दें। तो मतलब लेकिन अखिलेश सिंह के बारे में तो ये भी दिमांशु है ना कि मतलब उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी है, मतलब दिल्ली जो हमारे पास जो जानकारी है बिल्कुल नाराजगी तो है। नाराजगी के बाद भी क्या दिलवा पाएंगे, देखिए ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हमारे दिलवा पाते हैं या ना दिलवा पाते हैं, हो सकता है कि आकाश सिंह को ना मिले, लेकिन जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो अभी तक कि कामयाब हो गए हैं अखिलेश सिंह अपने बेटे को टिकट दिलवाने में, ज़्यादा संभावना है। और क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, पता चला कि लिस्ट प्रिंट आउट होने के लिए गया हुआ है, उसके बीच में कोई अड़ंगा लग गया तो कोई और बात है। समस्तीपुर में बिहार सरकार के मंत्री JDU कोटे से मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी चुनाव लड़ेंगे, नाम 2-3 और भेजे गए हैं बीके रवि, डॉक्टर अशोक कुमार का भी भेजा गया है, अशोक कुमार जाना पहचाना नाम है, कांग्रेस के लिए लंबे वक्त से जो है वो मजबूत स्तंभ जो है इलाके में जो है वो माने जाते हैं, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि समस्तीपुर में महेश्वर हजारे के बेटे सन्नी हजारे, जो कि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, वो उम्मीदवार होंगे। पश्चिम चंपारण की बात कर लें तो पश्चिम चंपारण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कई लोग वहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं आखिर कौन उम्मीदवार होगा। पश्चिम चंपारण से दूसरी छोर NDA की तरफ से धाकड़ कद्दावर नेता संजय जायसवाल उम्मीदवार में, लेकिन इस साइड से 2-3 नाम जो भेजे गए हैं, ब्रजेश पांडे का भेजा गया है, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं RS पांडे का भी भेजा गया है, शाश्वत पांडे का भी नाम भेजा गया है, और एक और नाम जो है वो भेजा गया है मदन मोहन तिवारी, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये लगभग तय है कि मदन मोहन तिवारी जो हैं वो उम्मीदवार पश्चिम चंपारण से होने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर क्लियर एंड कट है, एक है यहाँ से अजय निषाद को ही टिकट जो है वो दिया जाएगा। अजय निषाद 2 टर्म सांसद रहे हैं BJP से मुजफ्फरपुर के, 2014-2019 मल्ला जाति से आते हैं, और ये सीट मल्लाहों की ही सीट है, BJP की तरफ से भी राजभूषण निषाद को जो है वो टिकट जो है वो दिया गया। तो कुल मिलाकर एक चीज़ में जो आपने शुरुआती में कहा कि बैल से दूध निकालने की कोशिश, बड़ा लेट कर रही है कांग्रेस, और लेट लगती थी कि क्या वजह है पता नहीं, पहले तो आज सुबह में ये खबर आई कि आज दोपहर तक हो जाएगा, शाम खत्म हो गया, रात हो गया, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं विरोधी खेमा जो है कांग्रेस पार्टी का, यानी कि NDA खेमा, वो लगातार इन सब चीज़ों पर तैयारी कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है। रविशंकर प्रसाद अब कह चुके हैं कि मैं इंतजार में हूँ कि मेरे खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, ये स्थिति है। यही बात शांभवी चौधरी भी कह रही है, मतलब समस्तीपुर से सब इंतजार कर रहे हैं, मतलब NDA के जो हैं उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं कौन होगा। जैसे कि आप मुजफ्फरपुर में देखिए, उनका प्रचार आज से चल रहा है, आज मुझे लगता है कि 15 दिन हो गए होंगे, कम से कम 15 दिन हो गए होंगे BJP की तरफ से ऐलान किए हुए मुजफ्फरपुर में कौन लड़ेगा, राजभूषण निषाद। ये यहाँ भी पश्चिम चंपारण
मतलब कि ये संजय जायसवाल मतलब कि पहले से पता था कि ये चुनाव लड़ेंगे, मतलब समस्तीपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है, महाराजगंज में देखिए आज बीजेपी ने अनाउंस किया है, मतलब कि कम से कम उम्मीदवार देने में कांग्रेस को क्या पसीने छूट रहे हैं अंदरूनी तौर पर समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है समझ में नहीं आ रहा है, इतना मजबूत उम्मीदवार खोज रहे हैं कि इतने मजबूत उम्मीदवार खोज रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वक्त हाथ से ना फिसल जाए, ये वाली स्थिति जो है वो आ गई है। देखिए जाते जाते ये बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर में चुनाव होने हैं 20 मई को, रोहित जी आइए आंकड़े, ठीक है 30 मई को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का और आज तारीख है 21 अप्रैल, सोचिए कितने दिन का वक्त है, 10-11 दिन, क्या करेंगे, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, हमने इस वीडियो में जो हमारे कांग्रेस के सूत्रों ने बताया फोन पर कि ये प्रबल उम्मीदवार हो सकते हैं, रोहित जी हमने साझा कर दिया। तो बिल्कुल देखिए ये अच्छे नाम है बिहार कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि 9 सीटें उनको दी गई हैं, पिछले बार लोकसभा चुनाव के हिसाब से सीटें कम मिली हैं और माथापच्ची ज्यादा है इस बार। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की जो अपनी सीटें रही हैं इस बार ज़्यादातर सीटों पर आरजेडी ने अपना कब्जा कर लिया है, कुछ सीटें जो कांग्रेस को दी गई हैं उन सीटों पर या तो प्रत्याशी आया जो है वो बाहर से मंगवाए गए यानी कि बोरो प्लेयर्स लिए गए हैं, और कुछ जगहों पर ऐसे हैं जो कि अपने परिवार को या अपने करीबी को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम बता रहे थे पहले से कि जो 9 सीटें आई हैं उसमें से भागलपुर, किशनगंज जो है और कटिहार जहाँ पे नाम का ऐलान हो चुका है, इसके साथ साथ पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये वो सीटें हैं जहाँ पर प्रत्याशी के नामों का जो है इंतजार हो रहा है। कांग्रेस के पास लिस्ट बहुत पहले जा चुकी है, नाम 13 अप्रैल को ही आने थे लेकिन अभी तक नाम नहीं आ पाए हैं। ऐसे में एक तरीके से जो उनका क्षेत्र है जहां से चुनाव प्रत्याशियों को लड़ना है वहां पर एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। हवाला दिया जा रहा है कि कांग्रेस में एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था से इतर जाकर के किसी भी नाम का ऐलान नहीं हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जरूर हो रहा है क्योंकि जो विरोधी खेमा है वो पहले से तैयारियां कर रहा है और उसका जो अब चुनाव प्रचार का अभियान है वो कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।